देखिए, एक तो बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक पास हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पास हुआ है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व से आयोग नियुक्तियां कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान छूटे हुए थे जहाँ पर आयोग अपनी नियुक्तियां नहीं कर पा रहा था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी विधान परिषद में दो विधेयक पास हुए हैं। इसको लेकर हमने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इसका असर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी लाइव सिटीज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। दो दो विधेयक पास हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, एक तो बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक पास हुआ है और दूसरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पास हुआ है। तो इन दो जो सेवा आयोग का विधेयक पास करने का औचित्य है कि उच्च शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व से आयोग नियुक्तियां कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान छूटे हुए थे जहां पर आयोग अपनी नियुक्तियां नहीं कर पा रहा था। उसी में एक रूपता लाने के लिए ये संशोधन किया गया और परीक्षा जो दूसरा जो विधेयक लाया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी का कैसे ऑनलाइन परीक्षा का इस्तेमाल किया जाए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्ज़ाम हो जी। और साथ ही साथ हम लोग को फॉरवर्ड लुकिंग रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए कंप्यूटराइजेशन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घर बैठ करके ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्ज़ाम होंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, कदाचार रहित होगा। लेकिन आपने देखा होगा अभी आज ही विधानसभा में एक बिल लाया गया एंटी पेपर उसका, ये जी हाँ, अगर कहीं से कदाचार की सूचना मिलती है पेपर लीक का होता तो उसमें सख्त कानून बनाया जा रहा है, उसके तहत यहाँ पर भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। ये सारे एक करोड़ का जुर्माना जी, अगर 10 साल की जेल, ये सारी चीजें उस बिल में है जी। और वो कल काउंसिल में भी लाया जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको इनेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा और जो भी होंगी तो उसको एक हम लोगों ने संरक्षित भी किया है उस एक्ट के द्वारा हम लोग करेंगे जी। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कहां तक पहुंचा मंत्री जी? देखिए, अभी तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है सेक्रेटरी के साथ और उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यावेदन भी आए हैं, तो उस पर निश्चित रूप से एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ले करके, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन भी बना रहे और शिक्षा का स्तर बना रहे, उसमें कोई गिरावट नहीं हो और शिक्षक स्वेच्छा से अपना योगदान दें। सबको मिलेगा मनचाहा जिला, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो अधिकांश लोग को हम मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनती है, हो सकता है कुछ लोग उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन ऐसी पॉलिसी हम लोग जरूर बना रहे हैं कि अधिकांश शिक्षक उससे संतुष्ट। अच्छा, राजद वाले कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में एक और बड़ा घोटाला हो गया है, टैबलेट घोटाला। अभी तो कोई टैबलेट जहाँ तक जी मेरी समझ है कोई परचेज नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं पता करूंगा, लेकिन शायद अभी तक कोई परचेज नहीं हुआ है। तो सुना आपने कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आखिर इसका असर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कैसे पड़ने जा रहा है। देखिए, उनसे हमने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी सवाल पूछा था, हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या वाकई में तमाम शिक्षकों को मनचाहा जिला मिलेगा, तो इस पर भी शिक्षा मंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया है, बता दिया है कि आखिर कमिटी किन मुद्दों पर विचार कर रही है और क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, एक बार आप फिर से उनको सुनिए। दो दो विधेयक पास हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, एक तो बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक पास हुआ है और दूसरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक पास हुआ है।
इन दो जो सेवा आयोग का विधेयक पास करने का औचित्य है कि उच्च शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व से आयोग नियुक्तियां कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान छूटे हुए थे जहां पर आयोग अपनी नियुक्तियां नहीं कर पा रहा था, उसी में एक रूपता लाने के लिए ये संशोधन किया गया। और परीक्षा जो दूसरा जो विधेयक लाया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी का कैसे ऑनलाइन परीक्षा का इस्तेमाल किया जाए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्ज़ाम हो जी। और साथ ही साथ हम लोग को फॉरवर्ड लुकिंग रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए कंप्यूटराइजेशन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घर बैठ करके ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्ज़ाम होंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, कदाचार रहित होगा। लेकिन आपने देखा होगा अभी आज ही विधानसभा में एक बिल लाया गया एंटी पेपर लीक, उसका ये जी हाँ, अगर कहीं से कदाचार की सूचना मिलती है और पेपर लीक का होता तो उसमें सख्त कानून बनाए जा रहे, उसके तहत यहाँ पर भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। ये सारे 1 करोड़ का जुर्माना जी, अगर 10 साल की जेल, ये सारी चीजें उस बिल में है जी। और वो कल काउंसिल में भी लाया जाएगा, उसके बाद हम लोग उस पर इनएक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा और जो भी होंगी तो उसको एक हम लोगों ने संरक्षित भी किया है उस एक्ट के द्वारा हम लोग करेंगे जी। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कहां तक पहुंचा मंत्री जी? देखिए अभी तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है सेक्रेटरी के साथ और उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यावेदन भी आए हैं, तो उस पर निश्चित रूप से एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ले करके, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन भी बना रहे और शिक्षा का स्तर बना रहे, उसमें कोई गिरावट नहीं हो और शिक्षक स्वेच्छा से अपना योगदान दें। सबको मिलेगा मनचाहा जिला, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो अधिकांश लोग को हम मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनती है, हो सकता है कुछ लोग उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन ऐसी पॉलिसी हम लोग जरूर बना रहे हैं कि अधिकांश शिक्षक उससे संतुष्ट। अच्छा, राजद वाले कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में एक और बड़ा घोटाला हो गया है, टैबलेट घोटाला। अभी तो कोई टैबलेट जहाँ तक जी मेरी समझ है कोई परचेज नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं पता करूंगा, लेकिन शायद अभी तक कोई परचेज नहीं हुआ है। तो सुना आपने कि उन्होंने क्या कुछ बोला है, क्या कुछ बताया है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। और देखिए, आपने देखा था कि आज राजद ने भी बड़ा आरोप लगा दिया था। राजद ने साफ साफ कहा था कि शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है, इसको लेकर भी मंत्री सुनील कुमार जी ने बहुत कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।